पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में काम करने वाले फार्मासिस्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जाने के हवाले से सरापा एहतजाज। पंजाब असेंबली के सामने और प्रेस क्लब के सामने किया मुजाहरा। फार्मासिस्ट का कहना था कि 170 फार्मासिस्ट को NTS के इम्तिहान के बाद नौकरी दी। मौजूदा गवर्नमेंट दोबारा मुकाबले के इम्तिहान के बाद रखना चाह रही है, इससे हमारा कैरियर खतरे में पड़ जाएगा। किसी के 3 महीने कम्प्लीट हुए हैं, किसी के 6 मंथ, किसी के 9 मंथ, और अब वो क्लेम कर रहे हैं की आपके अगेन यही सीट्स ओपन मेरिट के थ्रू अनाउंस कर रहे हैं। ओपन मेरिट इज नॉट एन ऑप्शन। नई सीट्स निकाले ना, पुरानी सीट्स को दोबारा रीएडवर्टाइज तो ना करें। लोगों का रिटर्न टेस्ट हुआ ओपन मेरिट में, कोई कोटा सिस्टम नहीं था, लोगों ने ओपनली रिटर्न में कम्पीट किया, इंटरव्यू में कम्पीट किया, उसके बाद वो 170 फैमिलीज जो है उनके लोग सिलेक्ट होके आए बकायदा। पंजाब हुकूमत 586 नए फार्मासिस्ट को PPSC इम्तिहान के जरिए तैनात करना चाह रही है। पहले से काम करने वाले फार्मासिस्टों को भी इस इम्तिहान को पास करना होगा। फार्मासिस्ट का कहना है कि अगर हमारा जायज मुतालबा मंजूर न किया गया तो एहतजाज का सिलसिला पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। कैमरामैन यासिर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़।